जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, लाल मिर्च के जो टोटके हैं, आज मैं आपको उसमें से महत्वपूर्ण टोटके बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख दुख निरंतर आता रहता है, यानी सुख दुख का पहिया निरंतर चलता रहता है, और हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं, सुख तो बहुत कम आता है। लेकिन इन टोने टोटकों से, लाल मिर्च के इन उपायों से, आप अपने घर अपनी जिंदगी में घट रहे दुख को तो कम करेंगे, साथ में अपनी जिंदगी में सुख को बढ़ा देंगे। हम ये नहीं कहते दोस्तों कि केवल सुख ही सुख रहेगा, लेकिन सुख की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और दुख की मात्रा कम हो जाएगी। दोस्तों, लाल मिर्च जो होती है वो खाने का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ में इसमें माता लक्ष्मी की आशीर्वाद भी रहती है। लाल मिर्च हमारी दुख दर्द और सभी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत कारगर दवाइयाँ है। दोस्तों, लाल मिर्च जो होती है वो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, हमारे किचन की शोभा बढ़ाती है, हमारे खाने में जायका लाती है, हमारे खाने का कलर बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जो लाल मिर्च होती है उससे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार या प्राचीन उपायों के अनुसार, यानी प्राचीन शास्त्रों में और प्राचीन समय में लाल मिर्च के बहुत सारे उपाय भी किए जाते थे। इससे लोग जो प्राचीन समय में लोग जो थे वो बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में दुख नहीं पाते थे, वो लाल मिर्च के उपाय करते रहते थे। इसी प्रकार के आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि लुप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आपका व्यवसाय नहीं चलता है, आपकी इनकम का साधन नहीं बन पाता है, नौकरी नहीं लगती है, तो आज के ज़माने में दोस्तों पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो वापस नहीं लौटा रहा, क्योंकि दोस्तों कलयुग चल रहा है और कलयुग में ऐसे केस दिन पर दिन होते रहते हैं। आपका जो दुश्मन है आपके पीछे पड़ गया है, वो आपका दुश्मन बार बार आपकी बेइज्जती करता रहता है, और आपके दुश्मन जो हैं आप पर कुछ किया कराया करवा देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं लाल मिर्च के ऐसे उपाय बताऊंगा कि एक ही वीडियो में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो हम आपको आज विधि विधान के साथ इस वीडियो में ऐसे ही लाल मिर्च के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इंसान की किस्मत रूठ जाती है, यानी कि वो कुछ अच्छा काम करने जाता है लेकिन उसका अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं होता, उसके सारे काम रुक जाते हैं। तो दोस्तों, जो रुके हुए काम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, रुके हुए काम को आगे चलाने के लिए जो उपाय हैं वो लाल मिर्च के उपाय किए जाते हैं। इसमें से 5 लाल मिर्च, 7 लाल मिर्च, 13 लाल मिर्च, 10 लाल मिर्च के उपाय किए जाते हैं। और ये उपाय आपको कब करने हैं, कब नहीं करने, वो हम यहाँ पर बताएंगे। अब ये वाला जो उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय है नज़र लगने का। दोस्तों, यदि आपको मान लीजिए किसी ने नज़र लगा दी है, या हमारे घर पे जो बच्चे होते हैं उन पर किसी ने नज़र लगा दी है, या किसी बूढ़े के नज़र लग गई है, घर में किसी भी सदस्य के यदि नज़र लग गई है, तो आपको ये वाला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 7 लाल मिर्च को मुट्ठी में लेकर के 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा आपको घुमाना है, और आपको उन मिर्चियों को आग में डाल देना है। आपके नज़र दोष से तुरंत प्रभाव से छुटकारा मिल जाएगा, 1 घंटे में ही आपको राहत देखने के लिए मिलेगी। दूसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो किसी भी प्रकार की समस्या, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे रात के समय नींद नहीं आती, रात के समय बुरे बुरे सपने आते हैं, आप घर में अकेले अकेले फील करते हैं, आप घर में डर डर सा फील करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं शेष बचा है, तो दोस्तों आप चैन की नींद भी सो पाएंगे और सुबह उठ करके अपना कार्य भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या यदि आपको है तो आप क्या करें, लाल मिर्च के बीज लें, और वो बीज कितने लेने हैं आपको, 21। आप सूखी लाल मिर्च के 21 बीज गिन करके लें और पानी के लोटे में डाल करके रात को अपने सरहाने रख कर उसके सो जाएं, और सुबह उठकर पानी को घर के बाहर दाएं या बाएं कहीं भी आपको फेंक देना है। याद रहे दोस्तों, इसके बारे में आप यदि जब घर से लोटा लेकर के बाहर जाएंगे, घर के बाहर, और वहाँ फेंकेंगे, तो आपको इसमें कोई टोकना नहीं चाहिए, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगला उपाय बताने जा रहा हूँ दुश्मन से रक्षा के लिए। दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत सारे दुश्मन हैं और आप उससे रक्षा चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि आपकी दुश्मन से रक्षा हो जाए, यानी आपका दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़े, साथ में आपका दुश्मन का ही सब कुछ बिगड़ जाए। तो दोस्तों, इस तरह का जो उपाय है वो किया जाता है 7 लाल मिर्च के, लेकिन आपको इसमें सूखी लाल मिर्च नहीं लेनी, आपको गीली वाली लाल मिर्च लेनी है। आपको 7 गीली लाल मिर्च लें और 7 गीली लाल मिर्च लेकर के घर के किसी भी कोने में टांग दें। जैसे जैसे लाल मिर्च सूखती जाएगी, वैसे वैसे आपका दुश्मन कमजोर होता चला जाएगा। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही यूनिक है और बहुत आजमाया उपाय है। इससे दुश्मनों की लंका लग जाती है, दुश्मन बर्बाद हो जाते हैं और हमारी उन्नति होती चली जाती है। और 15 दिन के बाद यदि लाल मिर्च सूख जाए तो उसके बाद दोबारा से इसको टांग दीजिए, आपको कभी ता जिंदगी दुश्मन परेशान ही नहीं करेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे।
अगला जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो है पैसा अटका हुआ पैसा वापस लाने का। दोस्तों कितनी बार क्या होता है कि हम लोग पैसा किसी को उधार दे देते हैं, अब उधार देने के बाद वो सामने वाले की नीयत बिगड़ जाती है और वो हमें पैसा नहीं देता, हमारा खुद का पैसा और हमें ही नहीं देता। इसी के साथ बहुत सी बार क्या होता है कि हम जब जुआ खेलते हैं या कोई स्टॉक मार्केट वगैरह करते हैं तो उसमें भी हमारा पैसा अटक जाता है। तो दोस्तों ये अटका हुआ पैसा वापस लाने का जो उपाय है वो लाल मिर्च से किया जाता है, तो मैं आपको वही उपाय बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप क्या करना है, आपको एक लाल रुमाल लेना है और उसमें आपको 7 लाल मिर्च लेनी है। दोस्तों लाल मिर्च टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बीट वाली जो उसके ऊपर बीट होता है वो वाली लाल मिर्च होनी चाहिए। तो आपको उसमें 7 लाल मिर्च बांध देनी है और 7 दिन बाद रुमाल बदल देना है और रुमाल बदलने के बाद आपके घर में पैसा आ जाएगा। आप 7 दिन बाद रुमाल बदलते रहें। देखिए एक लाल रुमाल आपने ले लिया, रुमाल नहीं हो तो लाल कपड़े से भी काम चल सकता है। दोस्तों 7 लाल मिर्च आपने उसमें बांध दी, 7 दिन बाद रुमाल आपको बदलना है। आप रुमाल बदल लें लेकिन मिर्च वही रहने दें तो आपके घर में पैसा आ जाएगा। दोस्तों आपका जो भी अटक गया था पैसा वो आपका नहीं रुकेगा। अब दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि हम नौकरी के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं लेकिन हमें नौकरी नहीं मिलती, हम दर दर भटकते हैं लेकिन हम किसी भी इंटरव्यू में पास नहीं होते, सरकारी नौकरी का एग्जाम भी देते हैं लेकिन वो सरकारी नौकरी भी हमारी नहीं लग पाती है, प्राइवेट नौकरी करने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू दे दे के थक जाते हैं, हमारे जूते गिर जाते हैं, एड़ियां गिर जाती हैं लेकिन हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ लाल मिर्च का, वो ऐसा उपाय है जिससे कि आप कोई भी कार्य करने जाएंगे, किसी भी तरह का कार्य हो दोस्तों, वो चाहे आप लड़की देखने जा रहे हैं, चाहे आप कोई बड़ी डील साइन करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हैं, तो वो आपका जो बिजनेस है 100% चलेगा। नौकरी इंटरव्यू में आप 100% पास होंगे यानी नौकरी आपकी 100% लगेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको घर से बाहर निकलते हुए आपको लाल मिर्च के ऊपर से पैर रख करके निकलना है। आप जैसे ही घर से बाहर निकलें तो आप लाल मिर्च पर पैर रख करके बाहर निकल जाइए। और लाल मिर्च आप कहाँ रखेंगे, आप अपने घर की चौखट पर यानी आपका जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसके बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर और अंदर दो जगह होती है दोस्तों, तो मुख्य दरवाजे के जस्ट बाहर आपको लाल मिर्च रखनी है और लाल मिर्च रख करके आप जैसे ही निकलें वैसे ही इस पर पैर रख करके निकलें। पर एक बात का ध्यान इसमें रखिएगा दोस्तों, यदि आप लाल मिर्च पर पैर रख करके निकल रहे हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप लाल मिर्च पर पैर रख करके निकलेंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप यदि पीछे मुड़कर के या फिर घर में वापस आ गए तो फिर आपका कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए आपको जो भी चीज़ें घर से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं वो पहले ही ले लें और जब भी आप जाएं तो लाल मिर्च पर पैर रख करके निकल जाएं, आपका कार्य 100% आपका कार्य यहां पर हो जाएगा। अब अगला उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो जो अगला उपाय है वो बिजनेस के लिए है। यदि आपका धंधा नहीं चल रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस पहले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब ठप खा गया है, बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, इतने बढ़िया ग्राहक आते थे लेकिन अब तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे, तो ये लाल मिर्च जो है आपके ग्राहकों को लाएगी और लाल मिर्च आपका बिजनेस भी चलाएगी। दोस्तों जो ये लाल मिर्च होती है ये बहुत तीखी होती है, इस कारण से यह इतनी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। इन तरह के तांत्रिक उपायों में लाल मिर्च का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो वही तांत्रिक उपाय हम हमारे बिजनेस के लिए करेंगे ताकि हमारा बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करे। तो आपको क्या लेना है दोस्तों, आपको मिट्टी के 3 दीपक लेने हैं। अब यदि मिट्टी के 3 दीपक नहीं है तो आप स्टील के 3 दीपक भी ले सकते हैं, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार है, लेकिन यदि मिट्टी के हों तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो आपको मिट्टी के 3 दीपक लाने हैं और मिट्टी के 3 दीपक यूज़ किए हुए नहीं होने चाहिए दोस्तों, बिल्कुल कोरे दीपक आपको मिट्टी के लाने हैं और उसमें आपको पीली सरसों थोड़ी सी लेनी है और 3 दीपकों में तीनों में थोड़ी थोड़ी पीली सरसों आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा साबुत नमक आपको डाल देना है। साबुत नमक का मतलब क्या समझे दोस्तों, आप ये पीसा हुआ नमक आपको नहीं डालना, इसमें आपको डली वाला नमक, साबुत नमक जो होता है वो डालना है। तो पीसा हुआ सादा नमक आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपको उसके अंदर साबुत धनिया रखना है, तीनों दीपकों में आपको साबुत धनिया रखना है और साबुत तिल रखने हैं। तिल दोस्तों आपको तिल जो रखने हैं वो काले वाले तिल रखने हैं, आपको सफ़ेद तिल नहीं रखने, तो आपको काले तिल भी उसमें रखने हैं। और आपको क्या करना है, उसमें एक एक लाल मिर्च रखनी है। अब आप अपने बिजनेस वाली जगह पर, जहाँ पर भी आप बिजनेस करते हैं, जहाँ पर भी आपकी दुकान है या शॉप है, वहाँ पर इन तीनों दीपकों को आपको जला देना है, यानी कि लाल मिर्च सहित आपको ये सरसों, साबुत नमक, धनिया, ये सब आपको जला देना है लाल मिर्च रखकर। यदि ये आपसे नहीं जलती है तो आप इसमें कपूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप कपूर की एक एक टिकिया रख करके कपूर में आग लगा दीजिए तो वो तीनों मिर्ची और पीली सरसों, साबुत नमक और धनिया सब कुछ जल जाएंगे। दोस्तों जब आपकी सरसों जल रही होगी, पीली सरसों, तो वह ऐसी आवाज़ में जलेगी, तड़तड़ आवाज़ करेगी, तो इसका मतलब ये आप समझ जाइएगा कि आपके
दुकान पर नेगेटिविटी थी। यदि जलते समय वो तड़तड़ आवाज़ कम करती है तो इसका मतलब आपके दुकान पर कम नेगेटिविटी थी, लेकिन यदि वो ज़्यादा आवाज़ करती है तड़तड़ और मिर्ची में भी बहुत ज़्यादा धांस आती है कि आपका रहना ही दुश्वार हो गया वहाँ पर, तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी दुकान में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या नकारात्मकता थी, यानी नज़र दोष आपकी दुकान में था और अब वो ख़त्म होने जा रहा है। यकीन मानिए दोस्तों अगले ही दिन से आपकी जो दुकान है उस पर दिन दुनी रात चुगनी वृद्धि हो जाएगी, बहुत सारे ग्राहक अपने आप आने लग जाएंगे और पहले की तरह जो है आपका बिजनेस चलता था वैसा ही चलने लगेगा। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ये 3 दीपक जलाएं उसके बाद आपको अपनी दुकान पर मंगलवार और शनिवार को 5 मिर्ची और 1 नींबू की माला टांगनी है। ऐसा करने से आपकी दुकान पर कभी नज़र दोष लगेगा ही नहीं और आपका धंधा कभी भी ठप नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह का आपको विशेष उपाय करना है और इस तरह के उपायों को आप विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों लाल मिर्ची जो होती है वो आपको गरीबी से उभारती है, लाल मिर्ची जो होती है आपके शत्रुओं का नाश करती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। दोस्तों लक्ष्मी माँ लिखने से आपके भाग्य में माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा होगी, आपके जीवन में लक्ष्मी माता पैसे बरसाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।